नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स जो आए थे भारत, उनकी पूरी लिस्ट है और उनसे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करके मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई है डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग पहले के बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक कमेंट आया था कि एक तो वैसे ही जूम है और दिख नहीं रहा है, ऊपर से मैं सामने आ जाता हूँ तो फिर नहीं हो पाता है आप लोगों को नोट। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा, ये पूरी पूरी लिस्ट है। ठीक है, ये एक एक चीज शुरू से चालू करते हैं। देखिए इसमें एक ट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रिक मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, पूरा ये लिस्ट एक बार देखिए, आप पूरा सुन लीजिए शुरू से लेके पूरा। क्रोनोलॉजी वाइज करेंगे कि पहले कौन आया और प्लस उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब इसमें लाया हूं मैं पूरा करके। सबसे पहले भारत आने वाला जो था वो था मेगास्थनीज। ठीक है, ये एक ग्रीक स्कॉलर था, यानी कि ठीक है ये ग्रीक था स्कॉलर। ये सेलुकस निकेटर के दरबार से आया था सीरिया से। इसने एक बुक लिखी थी इंडिका, इंडिका लिखी थी और उसमें मौर्या के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। बस इससे ज्यादा रिलेटेड नहीं आते हैं ये। या तो ये पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसके टाइम पे आया था, किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त मौर्य जिसको सेंड्रोकोटास भी बोलते थे। ठीक है, और ये एक ग्रीक स्कॉलर था, सेलुकस निकेटर के का ये एम्बेसडर था एक तरह से समझ लीजिए, उसके दरबार से आया था। इंडिका बुक लिखी थी, मौर्य के बारे में एक्सप्लेन किया था। 302 से 298 BC तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, दूसरे नंबर का जो आया था फाहिन। ठीक है, ये देखिए ये भारत आने वाला दूसरा फॉरेन ट्रेवलर था, लेकिन ये चाइना वाला फर्स्ट था। तो अगर ये पूछा जाएगा कभी एग्जाम में कि पहला चाइनीज यात्री कौन था जो भारत आया, वो कौन था? फाहिन। किसके दरबार में, किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त टू, यानी कि जिसको विक्रमादित्य बोलते थे उन्हीं के टाइम पे आया था ये। ठीक है, इनका बेसिक क्या पर्पस था, किस लिए आए थे? ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट करने आए थे बुद्धिज्म के बारे में, उनके लिए आए थे ये। और इन्होंने लुम्बिनी को भी विजिट किया था जो कि बर्थ प्लेस है भगवान बुद्ध का। और इन्होंने एक बुक लिखी थी रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ठीक है, इससे अलावा नहीं आएगा, बस यही क्वेश्चन आते हैं। फाहिन किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त टू यानी कि विक्रमादित्य। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लिए आया था, लुम्बिनी को इसने विजिट किया, बर्थ प्लेस जो बुद्धा का था, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम 405 से लेकर 411 AD। ठीक है, उसके बाद देखिए आया कौन, ये ह्यून सांग। ठीक है, तो दूसरा वाला कौन सा था? फाहिन। और ये किसके टाइम पे आया था? गुप्ता जो किंगडम के टाइम पे, चंद्रगुप्त टू जिनको विक्रमादित्य भी बोलते थे उनके टाइम पे आया था। चाइनीज था ये पहला बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ठीक है, फिर तीसरा कौन था? ह्यून सांग। ये किस राजा के टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। बस यही पूछते हैं भैया जी, यही बार बार पूछते हैं, यही बार बार पूछेंगे। ठीक है, इसके बारे में एक विशेष बात क्या है? ताशकंद और स्वेत वैली के जरिए ये भारत आया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन ऐसा चाइनीज ट्रैवलर था जो ताशकंद और स्वेत वैली के जरिए भारत आया था, वो था ये ह्यून सांग। इसकी बुक थी रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, चौथा था ये आई सिंह, वैसे इसको ITSING लिखते हैं, मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट ही होगा, तो आई सिंह अगर इसको बोले। और ये चाइनीज था। ठीक है, ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड आया था, तो ये इसके बाद आया था। देखिए क्रोनोलॉजी वाइज भी है कि पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया, ऐसे करके। मान लीजिए आपको चार ये ट्रैवलर के नाम लिख दिए और बोला गया कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ, ऐसे क्वेश्चन अभी तक बने नहीं, शायद बन जाए आगे, क्या पता। ठीक है, फिर उसके बाद आया था अल मसूदी। अल मसूदी एक अरब यात्री था, इसने एक बुक लिखी, कौन सी? मुरुज उल जेहाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मुरुज उल जेहाब किसने लिखी थी? अल मसूदी ने लिखी थी, अरब यात्री था। ठीक है, उसके बाद आया था अल बरूनी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये अल बरूनी। ये कहाँ से था? पर्शिया यानी ईरान से था ये। ठीक है, गजनी के साथ आया था ये और इसने बुक लिखी थी, कौन सी? तहकीके हिंद। और इसने इंडिया के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया 1024 ईस्वी में, मतलब 1024 AD में। इसके बारे में देखिए, अल बरूनी के बारे में दो तीन फैक्ट और लिखे हैं। ये पहला ऐसा मुस्लिम स्कॉलर था जिसने इंडिया को स्टडी किया, भारत को स्टडी किया, इसीलिए इसको बोला जाता है फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। इंडोलॉजी के मतलब होता है इंडियन कल्चर हिस्ट्री को जो स्टडी करते हैं उन्हीं को बोलते हैं इंडोलॉजी। तो फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी कौन है? अल बरूनी। ठीक है,
पहला मुस्लिम स्कॉलर जिसने इंडिया को स्टडी किया वो कौन था? अल-बरूनी। तो ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बाद आया मार्को पोलो, ये इटली से आए थे, वेनिस रिपब्लिक से। इनकी बुक थी, इन्होंने अपने आप को खुद ही सर बोल दिया था, बुक ऑफ सर मार्को पोलो। इसके इसमें क्या डिफाइंड है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पूरी की पूरी यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। और ये किसके टाइम पे आए थे? रुद्रमा देवी के टाइम पे आया था ये, काकाटिया डायनेस्टी के जो थे। फिर आया इब्ने बतूता, ये जो आपने वो गाना भी सुना होगा इब्ने बतूता पहन के जूता हुआ वाला जो गाना है ना, कौन सी मूवी का है वो, इब्ने बतूता ये मुस्लिम ट्रैवलर था, मोरक्को से आया था ये, ठीक है। इसकी एक बुक बहुत फेमस बुक है, वो है रहेला, ट्रैवलॉग है, उसमें पूरा अपने ट्रैवल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और उसमें किसके बारे में बताया गया? मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसके बारे में किसने लिखा था, तो वो कौन था? इब्ने बतूता। इसके बाद आया फिर कौन? शिहाबुद्दीन अलूमारी, ये अरब ट्रैवलर था, अरब था ये, डमस्कस से आया था ये, ठीक है। और ये इसकी एक बुक थी मसालिक अलबसर फी ममलिक अल अमसर, इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में डेफिनेशन है। देखिए यही इसका नाम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मसालिक अलबसर फी ममलिक अल अमसर, ये किसकी बुक है? ये है शिहाबुद्दीन अल उमारी की, जो कि सीरिया का था, एक अरब ट्रैवलर था। फिर निकोलो कॉन्टी आया, ये इटली का था, ठीक है। ये किसके टाइम पे आया? ये आया देवारया वन, विजयनगर एम्पायर के जो थे उनके, देवारया वन के टाइम पे आया। फिर आया अब्दुल रजाक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्शिया का था, ये एम्बेसडर था ये शाहरुख जो थे तिमरुद डायनेस्टी के उनका, ठीक है। इसके बारे में ये था कि जो अब्दुल रजाक है ये जमोरिन के कोर्ट में भी प्रेजेंट था। जमोरिन आपको याद होगा पोर्टुगीज जब आया था सबसे पहले वास्को डी गामा, उसको किसने वेलकम किया था? जमोरिन ने किया था, जो कि एक हिंदू रूलर था। फिर बाद में लेकिन वास्को डी गामा ने उसी के साथ चीटिंग कर दी थी, ठीक है। तो अब्दुल रजाक ने भी इनका कोर्ट यहाँ पे अटेंड किया था, और इन्होंने जो है विजयनगर के बारे में लिखा हुआ है। और ये अब्दुल रजाक एग्जैक्टली आया किस राजा के टाइम पे था? ये आया था देवारया टू के टाइम पे, ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। अब्दुल रजाक किसके टाइम पे आया था? देवारया टू। निकोलो कॉन्टी किसके टाइम पे आया था? देवारया वन, संगम डायनेस्टी। निकोलो कॉन्टी इटली का था, अब्दुल रजाक पर्शिया का था, ठीक है। तिमरुद डायनेस्टी के शाहरुख का एम्बेसडर था ये, इससे ज़्यादा शायद नहीं पूछेंगे। फिर था अथानासियस निकटिन, ये रशिया का था, ये बहमनी किंगडम में आया था ये, और महमूद जो थ्री की उस टाइम पे किंगडम थे उनके टाइम पे आया था अथानासिन निकटिन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब्दुल रजाक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इब्ने बतूता इंपॉर्टेंट है, मार्को पोलो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं, अल-बरूनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हुन सांग फाहिन मेगस्थनीज ये तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर देखिए अथानासियस निकटिन के बाद आया बारबोसा, ये एक पोर्तुगीज ट्रैवलर था, कृष्णा देवर राय के टाइम पे आया, जो कि विजयनगर के थे। फिर डोमिनिंगो पेस आया, ये भी पोर्तुगीज था। फिर आया कौन आपका? नूनिच। देखिए डोमिनिंगो पेस किसके टाइम पे आया? अच्युत देवराय के टाइम पे आया, जो कि विजयनगर डायनेस्टी के थे। फिर नूनिच आया, ये पोर्तुगीज था ये, ठीक है। उसके बाद ये अकबर के टाइम पे आया था। फिर एंथोनी मोनसेरेट, ये भी पोर्टुगीज था, ठीक है। ये तीनों, ये चारों पोर्टुगीज थे, बारबोसा, डोमिनिंगो पेस, नूनिच और एंथोनी मोनसेरेट, ये चारों पुर्तगाल के थे ये, ठीक है। और ये जो एंथोनी मोनसेरेट है ये अकबर के टाइम पे आया। फिर राल्फ फिश, देखिए अगर कभी ये पूछा जाए कि सबसे पहला इंग्लिश ट्रैवलर कौन था, तो वो ये था राल्फ फिश, ये जरूर याद रखिएगा। थॉमस रो नहीं था, थॉमस रो ये जो कैप्टन हॉकिंस थे ये दोनों नहीं थे, राल्फ फिश ये था सबसे पहले इंग्लिश ट्रैवलर आया था, 1585 से 91 के टाइम पे आया था, और अकबर के टाइम पे आया था, ठीक है। फिर सीज़र फ्रेडरिक आया था, ये आया था, ये पोर्टुगीज था, विजयनगर के टाइम पे आया था। फिर लामा तारानाथ, ये तिब्बत का था ये। फिर देखिए कैप्टन हॉकिंस, आप जानते ही, मैंने पूरा बताया हुआ है हिस्ट्री में, 1609 में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। ये हेक्टर नामक शिप से आया था, ये सब चीज़ें। फिर ये शुरू में आया था जहांगीर के में, फिर सफल नहीं हो पाया था, और दो साल तक ये मतलब प्रयास व्यास करता रहा, ये सब चीज़ें हुई। फिर उसके बाद थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में 1615 में। ये सब तो मैं हिस्ट्री में पढ़ा ही रहा हूँ ना, इंस्पेक्टर वाली जो है उसमें आप देख लीजिएगा। फिर आया इधर पाल कैनिंग आया, इंग्लिश का था ये जहांगीर के टाइम पे। एडवर्ड टेरी आया, इंग्लिश का था जहांगीर के टाइम पे, ठीक है, दिख रहा है ना। फ्रांसिस्को पेलसर्ट या डच
जहांगीर के टाइम पे पिएट्रा डेला वेले आया, ये इटली का था, ये जहांगीर के टाइम पे आया। जॉन लॉयट डच था, ये शाहजहां के टाइम पे आया था, ठीक है। जॉन फ्रायर ये इंग्लिश था, शाहजहां के टाइम पे आया। पीटर मुंडी ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। पीटर मुंडी इटालियन था, ये शाहजहां के टाइम पे आया, ठीक है। उसके बाद ये आया टैवर्नियर, ये फ्रेंच था, शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे आया ये। फिर देखिए इसके बाद आया मनुशी, ये इटली का था ये, और ये औरंगजेब के टाइम पे आया। फिर इसके बाद बर्नियर, ये फ्रेंच का था, औरंगजेब के टाइम पे आया। जीन थिवोट ये आया, थेवनॉट ये औरंगजेब के टाइम पे आया। और फाइनली गैमिली कैरेरी ये था फ्रेंच, औरंगजेब के टाइम पे आया। देखिए ये इसमें से ये तो पूरी लिस्ट है, अब मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट मेगास्थिनीज तो जरूर याद रखिएगा, सबसे पहला, फिर उसके बाद फाहीन है चाइनीज, सबसे पहला चाइनीज़ और दूसरा, और चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। जितने मैंने राजा के टाइम पे बोले हैं ना कि कौन से राजा के टाइम पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये पूछ सकते हैं अब्दुल रजाक ने क्या जैमुरिन का कोर्ट किया था, तो ये है बिल्कुल, ठीक है। ये देवराया टू के टाइम पे आया था, थोड़ा सा गुचुड़ पुचुड़ हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, एक ही जगह सबको कलेक्ट करना था, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट है, फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि गलत है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि के हिंद ये इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, इंडिया के बारे में एक्सप्लेनेशन है, किसने लिखी थी, अलबरूनी ने, गजनी के साथ आया था, ठीक है। फिर और इंपॉर्टेंट कौन सा है, अब्दुल रजाक इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार, और आगे भी पूछा सकता है। और प्लस जो मैंने पूरा बता दी, एक बार देख लेना यार क्या जाता है, क्या पता एग्जाम में याद ही आ जाए मेरी गंदी आवाज सुनकर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। जय हिंद। एक चीज आपसे पूछनी है कि ये बताइए कि सबसे पहला पर्सन कौन था जिसने पूरी दुनिया को सरकम नेविगेट किया, मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, उसका नाम बताइए। लास्ट क्वेश्चन है ये आपसे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।